ताजा समाचार तमारी भाषा में मेळवा माटे डाउनलोड करो गुजराती मिडडे नी एप। पूरा फुल एक्शन ही मूवी है, जो कि आप रेटिंग कर बोलोगे तो 10 out of 9 कर सकते हो एक्शन में। बाकी स्टोरी अगर आप रिलेट करोगे तो ये एक वेब सीरीज आई थी स्क्वाड गेम, उससे रिलेट होती है। ओके, इस मूवी को कितने स्टार देना चाहेंगे? 5 out of 4। कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी फिल्म है। जो रामपाल और विद्युत जामवाल की केमिस्ट्री कैसी लगी आपको? उनकी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी थी, और जो उनके भाई थे निहाल बने हुए हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, और डायरेक्शन बहुत कमाल की आदित्य दत्त सर की। उनका भी अच्छा लगा। ओवरऑल फिल्म की बात करें जाए तो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ कौन से ज़्यादा एंगेजिंग थी आपके लिए? दोनों एंगेजिंग थे। हम तो देखिए, ये फिल्म एंटरटेन के लिए बहुत थी, सीखने के लिए बहुत थी, एक्शन बहुत था, तो दोनों पार्ट एंटरटेनिंग। क्रैक देख कर आ रहा हूँ मैं अभी विद्युत जामवाल का, और कहते हैं कि एग्जैक्टली माइंड सच में क्रैक कर चुका है ये पिक्चर्स, और गेम से रिलेटेड पिक्चर्स था, तो कभी कभी थिएटर में खुद लग रहा कि जैसे हम लोग फोन्स में कभी कभी गेम खेलते सेम वही थॉट ऑफ प्रोसेस में हम चले जा रहे थे, तो ये सब सारी चीज़ें बहुत अच्छा लगा। विद्युत जामवाल और रामपाल यादव, इस पर कई सारे लोग हैं इस पिक्चर्स में जिन्होंने बहुत अच्छा किरदार निभाया है। सॉन्ग कैसा था? सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे गए हैं इस पिक्चर्स के, और सबसे अच्छी बात है कि मतलब इस वीक से पता नहीं कैसे कि एक बम्पर चल रहा है 99 99 100 की टिकट्स की, तो मुझे लगता है अब तो थिएटर आओ भाई, अब तो पिक्चर्स देखो। ओवरऑल मूवी को कितने स्टार देना चाहिए? 5 में से 5। अच्छी है, एवरेज मूवी है। इतना जामवाल और रामपाल यादव दोनों, रामपाल बेस्ट है। नूरा फतेही भी है, लेकिन एक्टिंग इतनी खास नहीं है, मतलब है अच्छा दिखता है बस। फर्स्ट हाफ अच्छा था, सेकंड हाफ भी अच्छा ही था, मतलब एवरेज है टोटल। ओवरऑल फिल्म को कितने स्टार देना चाहिए? 2.5। फिल्म अच्छी है, स्टंट बहुत ज़्यादा है विद्युत जामवाल के, और रामपाल भी है उसमें, दोनों की केमिस्ट्री जम रही है फाइटिंग में। और नूरा फतेही की एक्टिंग कैसी लगी? उसकी एक्टिंग में हम थोड़े निराश हो गए, ग्लैमर कर रहे लेकिन ग्लैमर दिखाया नहीं उसने। मैं अपना चश्मा है ना पूरा अक्का लाया था क्रैक देख के, मेरा स्पेक्स भी क्रैक हो गया एक साइड से। सीरियसली बात करूँ ना अगर मैं मूवी की, तो विद्युत जामवाल एक ऐसा एक्शन हीरो है ना जो मतलब बॉलीवुड में कोई नहीं है। अगर मैं टाइगर श्रॉफ की भी बात करूँ तो वो भी नहीं है। अगर करण जौहर जैसा डायरेक्टर धर्मा प्रोडक्शन लेके उनको ऐसी मूवीज दे सकता है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर और भी बहुत सी मूवीज दे सकता है, तो विद्युत जामवाल के लिए क्यों नहीं है। जो बिना तड़के की दाल है ना करण जौहर, जिसमें तड़का बराबर नहीं लगाना, यहाँ का ना वहाँ का, भगवान जाने किधर का है मतलब, तो बॉलीवुड में भाई इसको आउटसाइडर क्यों बोलते हैं विद्युत जामवाल को, मेरे वो समझ में नहीं आता। हालांकि एक्सपेक्टेशन बहुत थी मूवी के मेरे लिए, बट कहीं ना कहीं खरी नहीं उतर पाई, एक वो भी चीज़ है के स्क्रीन प्ले काफ़ी थोड़ा लो था, बट विद्युत जामवाल का एक्शन काफ़ी अच्छा है, मानना पड़ेगा। जिस तरह से बंदा जो खुद के स्टंट करता है ना, 70% जो बॉलीवुड में बॉडी डबल करते हैं उनके बिना, ये खुद करता है ना, तो हैट्स ऑफ है, मज़ा आया मूवी देख के। रामपाल भी इस फिल्म में, तो उनकी एक्टिंग कैसी लगी आपको? अर्जुन रामपाल की एक्टिंग अच्छी है, विद्युत का एक्शन अच्छा है, और नूरा फतेह की हिंदी बिल्कुल अच्छी नहीं है, सिर्फ उसका ग्लैमर अच्छा है। इस मूवी को मैं दूंगा 3 स्टार बिकॉज ऑफ विद्युत जामवाल। सब्सक्राइब करो गुजराती मिडडे, बेल आइकॉन पर क्लिक करीने मेळवो तमाम वीडियो ना डायरेक्ट नोटिफिकेशन।